Hello everyone, and this is Commerce Corner, and we are going to start this LIFO method. So इस सम को मैंने उठाया है. सो इस सम में क्या है, जनवरी 19 को परचेजेस दिए हुए हैं 100 यूनिट्स की एंड 5 ईच है. ओके, फेब की दी हुई है 4 को परचेजेस, ऐसे ही 12 को परचेजेस, 14 को यहाँ पे इशू दिया हुआ है 80 उसकी यूनिट्स है, बट कोस्ट नहीं दी हुई है इसकी. तो हमने यहाँ पे कोस्ट फाइंड करनी है, एंड यहाँ पे लीफो मेथड लगेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, इसका मतलब है कि हमने लास्ट वाला स्टॉक उठाना है, राइट. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. सो जन 19 की एंट्री थी आपकी परचेजेस की, राइट. तो यहाँ पे क्या है, गुड्स रिसीव भी लिख सकते हो आप, तो 100 थे एंड 5 थे. अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 5 से, क्योंकि हमारी क्वांटिटी 100 दी गई थी यानी कि यूनिट्स, एंड रेट उसका 5 दिया गया था. एंड यहाँ पे साइड में आपको परचेजेस, ठीक है, ऐसे ही लिखनी है. एंड यहाँ पे 3 कॉलम्स होते हैं, रिसीट, इशू एंड बैलेंस. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 500 इसका आंसर आएगा, राइट. एंड नेक्स्ट भी ऐसे ही एंट्री होगी. फेब 4 में अब 25 आपको क्वांटिटी दी गई है, एंड 5.25 इसका रेट मेंशन है. तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड में लिख देंगे, राइट, जैसे हमने 500 का लिखा. बट यहाँ पे फर्स्ट में आपको इशू कुछ नहीं दिया, परचेज हुई है, रिसीव हुए हैं गुड्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिसीप्ट नहीं डाली है. और यहाँ पे कितना बैलेंस बच गया आपका, 100 क्वांटिटी है, रेट आपका 5 है, एंड अमाउंट आपकी 500 है. तो इस सेम टाइप से सेकेंड एंट्री भी हमारी होगी, जैसे फेब 4 है. ओके, 25 into 5.25, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर किस कॉलम में लिखेंगे, रिसीट की अमाउंट में. ओके, इसका हमारा आएगा 131.25, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे रिसीप्ट आ गई, क्योंकि हमने परचेजेस यहाँ पे भी किए थे. एंड यहाँ पे आपको सेम ऐसे ही करना है, इसका आंसर 275 आया. यहाँ पे इशू कुछ नहीं हुआ इसी डेट को. सो हमारा बैलेंस कितना बचेगा, पहले तो हम वही लिख देंगे नीचे जो हमारे पास पहले ही परचेजेस के रिसीट्स पड़े थे, मतलब परचेजेस का बैलेंस पड़ा था 100, 5 and 500. अब ये लिखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने अभी परचेजेस किए हैं, ठीक है. एक तो पहले की थी 100 वाली, अब की है 25, 50 वाली, ठीक है. तो यही हमने सेम उतार देनी है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं. हाँ जी, तो यहाँ तक आई होप कि समझ आ गया होगा. सो फेब 14 को क्या किया, इन्होंने इशू किया है. अब यहाँ पे रिक्वेसाइट स्लिप नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पे रिसीट पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिसीट हमारे पास कुछ नहीं है. 80 उन्होंने क्या किया, इशू किया, बट ये 80 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 80 मैंने समझाने के लिए जस्ट लिखा है कि 80 उसने इशू किए हैं, बट यहाँ पे होगा लीफो मेथड. तो हम क्या करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हम लास्ट स्टॉक उठाएंगे उस 80 को पूरा करने के लिए, राइट. 80 को पूरा करने के लिए हम लास्ट स्टॉक उठाएंगे जो हमारे पास बैलेंस बचा है. तो हम क्या करेंगे, 50 को उठा लेंगे, ठीक है. तो 50 को यहाँ पे 80 नहीं लिखना है, 80 जस्ट हमारा टोटल होना चाहिए, ठीक है. ये सेम उतार लेंगे हम, 5.50, 5.50, 275. ओके, तो हमारे पास कितना बच गया, 80 था, 50 हमारे पास आ गया, एंड हमारे पास बच गया 30. सो हमारे पास सेकेंड में 25 है, तो पहले 25 को उठाएंगे, 25.5.25, एंड इसका आंसर सेम. अब हमारे पास 5 यूनिट्स बच गए, अब 5 यूनिट्स हम फर्स्ट वाले में से उठाएंगे, राइट. ओके, सो 5 उठाए, और उसके जो है रेट सेम रहेगा इसमें,
वेटेड एवरेज में आपके रेट्स चेंज होंगे, इसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर सेम, राइट। अब इसी तरह से इश्यू होता है उसमें आप माइनस करते हो, ठीक है, तो आपका बैलेंस कितना बच गया वो आपने साइड में लिख देना है, ठीक है। बैलेंस में 95 बच गया, क्यों? क्योंकि आपने नीचे वाले 2 तो स्टॉक उठा लिए हैं, ऊपर 95 बचा, बाकी सेम मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हो। 95 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 475 आया। ऐसे ही नेक्स्ट परचेजेस में आप क्या करोगे, सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री डाली थी 100 × 5 की, वैसे ही ये है, ये मेंशन है क्वेश्चन में, ओके। सो इशू इसमें कुछ नहीं हुआ, बट जो परचेजेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या होता है स्टॉक उठाने होते हैं, राइट। हमने यहाँ पे लास्ट स्टॉक उठाना है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। वही जैसे फर्स्ट स्टॉक 95 का पड़ा है हमारे पास, सेकंड आपने परचेजेस की वो भी आपने साइड में लिख दी जस्ट, ओके। अब इशू में क्या करेंगे, जैसे ऊपर आपको बताने के लिए मैंने 80 लिखा था इशू, वैसे ही यहाँ पे मैंने 80 लिखा है इशू, बट यहाँ पे लीफो मेथड है, इसलिए हम क्या करेंगे लास्ट वाला स्टॉक उठाएंगे। 95 और 50 में से अब लास्ट स्टॉक कौन है, 50 है लास्ट स्टॉक नीचे वाला, ठीक है। तो हमारे पास 80 है, 50 पूरे हो गए, तो हमारे पास कितना बचा, 30 बचा, 30 हम 95 में से उठाएंगे, राइट। सो ये ऐसे ही लिख देना है हमने। अब 30 है जो 95 में से उठाएंगे, 30 आ गया, रेट आपका सेम आएगा 5, एंड आंसर आप लिख सकते हो इससे 150, इसका आंसर आ गया, ओके। सो यहाँ पे आपके माइनस हुए, 95 में से 30 माइनस हुए तो 65 बच गया, रेट आपका फिर सेम। फिर इसको 65 को मल्टीप्लाई करके 5 से आपका आ गया 325। सो नेक्स्ट आता है आपका परचेजेस February 27 को, सेम थिंग, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.75 से, इसका आंसर अमाउंट में लिख देंगे रिसीट के, क्योंकि ये रिसीट होती है, परचेज हम करते हैं तो हम कुछ गुड्स रिसीव करते हैं। सो ऐसे ही हमारा बैलेंस 65.5 यूनिट्स टोटल 325 का आ रहा था। ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, 65 वाले को नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ये हमारा पहले ही बैलेंस बचा हुआ है, एंड नेक्स्ट हमने दोबारा गुड्स रिसीव कर ली, इसलिए वो वाला बैलेंस भी बच जाएगा। अब स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बैलेंस